हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल कुक डिलीशियस। आज हम बनाने वाले हैं नारियल और बेसन की ग्रैनुलर वाली चक्की या बर्फी कह सकते हैं इसे। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी बनी है ये। देखिए, एक तोड़ के बताती हूँ मैं आपको। बहुत ही बढ़िया बनी है, एकदम ग्रैनुलर इसका टेक्स्चर आया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बेसन नारियल की बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 2 कप बेसन। ये मोटा वाला बेसन है जो लड्डू बनाने के लिए अलग से मार्केट में मिल जाता है। और इसमें हम डालेंगे ये 4 टेबलस्पून घी है जिसे मैंने मेल्ट कर लिया है। इसे बेसन में डाल देंगे। थोड़ा सा नमक, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस बर्फी के लिए ये जो मोटा वाला बेसन है यही हमें यूज़ करना है। अगर आपके पास मोटा वाला बेसन नहीं है तो आप जो बारीक वाला बेसन होता है वो यूज़ कर लीजिए, और उसमें जो बारीक रवा होता है वो 4 टेबलस्पून डाल लीजिए। ये मिक्स हो चुका है। अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एकदम टाइट इसका डो हम बनाएंगे। ये देखिए, मैंने एकदम टाइट डो बना लिया है बेसन का। अभी हम इसके छोटे छोटे ऐसे मुठिया बना लेंगे और इसको थोड़ा ऐसे हम लोग चपटा रखेंगे ताकि हमें इसे हम इसको घी में फ्राई करने वाले हैं तो ये हमारा जल्दी से फ्राई हो, इसलिए हम ऐसे चपटे शेप के ऐसे मुठिया बना लेंगे। इसको अच्छी तरह से दबा के हमें बनाना है ताकि ये घी में बिखर ना जाए, इसलिए अच्छी तरह से इस तरह से दबा दबा कर। ये देखिए, एकदम मैंने स्लो फ्लेम पर इसे फ्राई किया है और हल्के से ब्राउन हो गए हैं। तो इस तरह से जब इतना ब्राउन हो जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, मैंने मुठिया सारी फ्राई कर ली है और ये हल्की सी ठंडी भी हो चुकी है और इसके हम पीसेस कर लेंगे। मुझे ये सारी मुठिया फ्राई करने के लिए करीब 15 मिनट लगे हैं। मैंने एकदम स्लो फ्लेम पर इसे 15 मिनट तक घी में शैलो फ्राई किया है। ये सारे मुठिया के पीसेस मैंने एक मिक्सर जार में ले लिए हैं, अभी मैं इन्हें पीस लूँगी। जब हम इसे मिक्सर में पीसेंगे तो जो स्पीड 1 होती है उस पर हम इसे पीसेंगे, और बहुत ज़्यादा फाइन नहीं हम इसे पीसेंगे, नहीं तो हमने जो ग्रैनुलर बेसन जो लिया है उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये बहुत फाइन हो जाएगा। इसलिए हम इसे थोड़ा ऐसा जो रवे का टेक्सचर होता है उतना होने तक ही पीसेंगे। इधर मैंने सेम कढ़ाई ले ली है जिसमें हमने मुठिया फ्राई की थी, उसमें हम ये फिर से थोड़ा सा 2 टेबलस्पून घी लिया है। फिर से ये हम बेसन लेंगे और हल्का सा इसे हम रोस्ट करेंगे। ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है हमें, थोड़ा सा इसमें हमें मॉइस्चर चाहिए। अगर हम ज़्यादा रोस्ट कर लेंगे तो एकदम इसका मॉइस्चर पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और हमें थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए। ये नारियल का चूरा है, डेसिकेटेड कोकोनट, ये 2 कप इसी में डाल देंगे ताकि ये भी इसी के साथ हल्का सा रोस्ट हो जाए। जो हमने नारियल डाला है इसमें उसकी बस हल्की हल्की सी खुशबू आने लग जाए तब तक हम इसे रोस्ट करेंगे। बस एकदम बढ़िया सी स्मेल आ रही है अभी नारियल की, तो अभी ये हमारा रोस्ट करके हो गया है। चाशनी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ 1 कप शक्कर। मैं 1 कप शक्कर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं जो मेरी पुरानी बची हुई चाशनी है जो मैंने मिठाइयाँ बनाई थी वो मैं यूज़ करने वाली हूँ। जो मैंने मेज़र की थी जो 1.5 कप है और वो पतली चाशनी है, तो 1 कप मैंने यहाँ शक्कर ली है, इसमें मैं 1/2 कप पानी डालूँगी। चाशनी को हम चलाते हुए पका लेंगे। ये
ये देखिए शक्कर पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुकी है और चाशनी बॉइल्ड आ चुका है चाशनी में, तो उसमें मैं ये जो बची हुई चाशनी है वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और मैं इसे और फिर से अच्छी तरह से बॉईल होने दूंगी। ये चाशनी को बॉईल होते हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची का पाउडर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसे चेक करेंगे हम रेडी है या नहीं। मैं इसे एक कटोरी में थोड़ा सा ठंडा करके और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये हमारी एक तार की चाशनी रेडी है। अभी जो हमने रोस्ट करके मिक्सचर रखा हुआ है कोकोनट का और बेसन का, उसमें हम ये चाशनी डाल देंगे। इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से और जो चाशनी में मैंने थोड़ा सा चुटकी भर हल्दी भी डाल दी थी, वैसे ऑलरेडी उसमें केसर डाला हुआ था लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा हल्का सा रंग आने के लिए उसमें चुटकी भर हल्दी भी ऐड की थी। तो अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम अच्छी तरह से इसे मिक्स करके हम रख देंगे ताकि चाशनी अच्छी तरह से बेसन और नारियल में एब्जॉर्ब हो जाए। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो आप इसी स्टेज पर डाल सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ। करीब 20 मिनट हो गए हैं और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई है। तो यहाँ मैंने एक बर्तन रेडी करके रखा है बटर पेपर लगाकर, इसमें घी लगाकर, तो इसमें हम ये ट्रांसफ़र कर देंगे। ये इस तरह से मैंने सेट कर लिया है। इस पर हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा दबा देंगे। और इधर भी मैंने एक ये दूसरी प्लेट में की है, इसे भी थोड़ा दबा दबा कर हम लोग बर्फी में जमा देंगे। इस पर हम कट भी लगा देते हैं साथ ही में। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पर अच्छी तरह से सेट होने के बाद फिर हम इसे निकाल के देखेंगे। ये देखिए बटर पेपर लगाने से कितनी इजीली हमारी जो चक्की है कितनी इजीली निकल गई है और आराम से एकदम सेपरेट हो रही है। तो ये देखिए सेट हो गई एकदम अच्छी तरह से। रेडी है हमारी टेस्टी सी ग्रैन्यूलर बेसन और नारियल की बर्फी या चक्की। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है ये। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत ढेर सारा थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।